हम बात करने वाले हैं कंपनी इनकॉर्पोरेशन पे। अभी तक हमने जो भी वीडियो बनाया था वो टैक्स सेविंग और टैक्स प्लानिंग वेल्थ से रिलेटेड बनाया था, और अब हम धीरे धीरे अपना शिफ्ट और भी अपने जो यूजर हैं उनके लिए बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि इंडिया में कंपनी इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है, किस तरह के डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायर्ड होते हैं, और जो आज हम बात करने वाले हैं वो केवल इंडियन नेशन के लिए है। यानी कि अगर आपके पास फॉरेन डायरेक्टर है तो उसके लिए हम दूसरा एक वीडियो अभी कुछ दिन बाद लेके आने वाले हैं, तो उसमें वो चीज़ भी बताएंगे। आज हम ये मान के चल रहे हैं ये उनके लिए है जिनके सारे डायरेक्टर इंडियन नेशन है। तो क्या प्रोसीजर है, क्या स्टेप्स हैं, किस टाइप के डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है, वो सारी चीज़ें हम बात करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। और इसके अलावा ये भी हम बताएंगे कि किस तरह के डॉक्यूमेंटेशन अटैच होते हैं जब स्पाइस फॉर्म्स जाते हैं, प्लस स्पाइस क्या है, रन फॉर्म क्या है, किस तरह के प्रोसीजर्स होते हैं। तो ये कोई एंड यूजर वो नहीं कर सकता है, केवल प्रोफेशनल कर सकते हैं। बट ये आपके इन्फॉर्मेशन के लिए समझना जरूरत है कि स्टेप क्या है, टाइम क्या लगता है और किस तरह के डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं। तो हम सबसे पहले अगर आप हमारा आज का टाइटल देखें तो हाउ टू इनकॉर्पोरेट ए प्राइवेट लिमिटेड, ये प्राइवेट लिमिटेड की बात कर रहे हैं, मिनिमम दो डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे। तो जो सबसे पहला स्टेप होता है इनकॉर्पोरेशन प्रोसीजर में वो होता है डीएससी। डीएससी क्या होता है, ये डिजिटल सिग्नेचर होता है। आज की डेट में जितने भी डॉक्यूमेंट MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को, जो कंपनी इनकॉर्पोरेशन की आप कह सकते हैं सारा डेटा उन्हीं के पास होता है और वही इनकॉर्पोरेट करते हैं, उनको जो भी पेपर आज कम्युनिकेट करते हैं वो केवल डीएससी के थ्रू करते हैं। यानी कि आपका डिजिटल सिग्नेचर बनता है और इसी के थ्रू डिपार्टमेंट के साथ कम्युनिकेट होता है। हम इसमें भी बताएंगे किस तरह के डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है डीएससी और डिन के लिए। एक चीज ये भी समझ लें कि जो डीएससी बनता है उसका यूटिलाइजेशन और कहीं नहीं हो सकता है एक्सेप्ट MCA और इनकम टैक्स। तो आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि आपके DSC के साथ कोई फोर्ज हो जाए या किसी तरह की प्रॉब्लम हो जाए या बैंक में उसकी यूज है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये जो जिस तरह के DSC होते हैं केवल MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट और इनकम टैक्स के साथ यूज हो सकता है, इसके अलावा कहीं यूज नहीं हो सकता है। सेकेंड स्टेप होता है कि डीएससी बनने के बाद हम डिन के लिए जाते हैं। डिन होता है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये वन टाइम होता है और ये लाइफ लॉन्ग रहता है, इसमें फिर दोबारा आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन डिन लेने में दो प्रोसीजर्स है। प्रोसीजर्स ये है कि या तो आप डिन फॉर्म 3 फाइल कर सकते हैं या एक नया फॉर्म स्पाइस आया हुआ है, आप स्पाइस के थ्रू जा सकते हैं। स्पाइस क्या है कि एक नया सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्रोसीजर किया गया है जो कि बहुत ही आसान है, लेकिन उसके अपने कुछ खामियां भी है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि स्पाइस के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, अभी हम उसमें नहीं जा रहे। यानी कि जब डिन अप्लाई करने के होता है तो वहां पर दो प्रोसीजर्स हैं, या तो मैं DI-3 फाइल करूं या स्पाइस फाइल करूं। इस दोनों प्रोसीजर के थ्रू हम डिन अप्लाई कर सकते हैं। हम अभी फिर थोड़ी देर बाद बताएंगे कि डिन अप्लाई करते हुए किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है और उसमें कैसे प्रोसीजर्स होते हैं। अभी हम स्टेप की ओर बता रहे हैं। अगर आपका डीएससी तैयार हो गया है, डिन अप्लाई हो चुका है, तो आप नेम अप्रूवल के लिए जाते हैं। नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, हम नेम के लिए भी अपना सेपरेट वीडियो लेके आएंगे कि नेम में किस तरह की चीजें प्रीफिक्स नहीं होनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, नेम रिजेक्शंस क्यों होते हैं, उसमें क्या प्रोसीजर्स हैं। तो इसमें भी हमारे पास दो प्रोसेस होते हैं, या तो हम रन फॉर्म फाइल करें या स्पाइस फाइल करें। रन के थ्रू रिवर्स आप कह सकते हैं कि यूनिक नेम के थ्रू आप फाइल कर सकते हैं या स्पाइस के थ्रू। ये सारा काम प्रोफेशनल के थ्रू होता है, आपको इसमें कुछ नहीं करना होता। ये एक स्टेप्स बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक चीज याद रखेंगे कि अगर आपका कोई नाम यूनिक नाम है तो अगर आपके पास उसका TM है तो TM यूज करें, अदरवाइज आज के डेट में रिजेंबल होने पे आपको वो नाम नहीं मिलता है। यानी रिजेंबल का मतलब ये है कि नाम ऐसा होना चाहिए जो यूनिक हो। अगर यूनिक नहीं है और किसी नाम से सिमिलर नाम की तरह मिल रहा है तो वो नाम में बहुत प्रॉब्लम है, इतनी आसानी से वो नाम आपको मिलने वाला नहीं है। तो बेटर ये रहेगा कि आप अगर कोई स्पेसिफिक नाम के साथ जाना चाहते हैं तो उसका ट्रेडमार्क कराएं। TM कराने के बाद रन फॉर्म जब फाइल होता है तो उसकी एक्नॉलेजमेंट, उसकी कॉपी उसके साथ लगती है, तो अप्रूवल के चांसेस बहुत हाई होते हैं। तो पहला स्टेप था डीएससी, दूसरा डिन, तीसरा आपने नेम अप्लाई किया। और इसके बाद जो होता है स्टेप 4, वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। सबको मर्ज करके स्टेप 4 में क्या होता है कि स्पाइस फॉर्म जाता है। स्पाइस फॉर्म में INC 33, 32, 34 ये भी हम बात करेंगे किस तरह का फॉर्म है। स्पाइस फॉर्म में ये सारे इंफॉर्मेशन जाते हैं। अगर आप देखें तो INC 32 में आपका जो इन्फॉर्मेशन जाता है वो डिन के लिए जाता है, रिजर्वेशन ऑफ नेम क्या था वो जाता है, आपका एड्रेस, और अब जो नया सिस्टम आ गया पैन और टैन भी यहीं चला जाता है, अब आपको एक्स्ट्रा अप्लाई करने की जरूरत नहीं है।
यानी कि अगर आप INC 32 को देखते हैं तो उसमें ये इंफॉर्मेशन जाते हैं जो कि स्पाइस के अंतर्गत ही ये सारे फॉर्म होते हैं, एक ही फॉर्म के अंदर ये सारे फॉर्म होते हैं। उसके अलावा INC जो 33 होता है उसमें EMOA और INC 34 में EAOA होता है। MOA क्या होता है, AOA क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो आपका मेन बिजनेस ऑब्जेक्टिव होता है उसको डिफाइन करके लिया जाता है। AOA आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है AOA के, तो उसमें बहुत ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती, आप उसको अपने हिसाब से डिजाइन भी कर सकते हैं। MOA बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप जो बिजनेस करने वाले हैं उसके 5-4-6 पॉइंट, आप जनरली ये एक स्टैंडर्ड पैटर्न देखा गया है कि 5-6 मेन ऑब्जेक्टिव आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड इसमें लिखना होता है। अगर आप वो जो भी, जैसे आप, मैं IT का बिजनेस कर रहा हूं तो IT में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर सकता हूं, e-commerce में क्या, तो आपको अपना बिजनेस डिफाइन करना। और सबसे अच्छी चीज है कि आप ये सारे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जाते हैं, आपको इनके साथ डॉक्यूमेंटेशन, पहले क्या होता था कि एक मेमोरेंडम मोटी सी बनती थी उसमें सारे प्रोसीजर्स होते, अब ये सारे डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू साइन होके इन सब में जाते थे। अब हम बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड है डिन बनाने के लिए, DSC बनाने के लिए, साथ के साथ स्पाइस के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट जाते हैं, हम अब उस पर भी डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये बात कर रहे हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, केवल इंडियन नेशनल के लिए है कि यार ये आप ना NRI है ना फॉरेन नेशन है तब ये डॉक्यूमेंटेशन अप्लीकेबल है। DSC और DIN के लिए अगर मैं देखूं तो हमने एक ही पैराग्राफ बना रखा है जिसमें आप समझ सकते हैं जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट चाहिए DIN के लिए और DSC के लिए। एक तो पैन मैंडेटरी है, बिना पैन के आज के डेट में बहुत परेशानी है, तो आपको पैन बहुत इंपॉर्टेंट है। एड्रेस में क्या क्या हो सकता है, आपका पासपोर्ट हो सकता है, आपका आधार हो सकता है, वोटर ID हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है, इसके अलावा आप टेलीफोन बिल हो सकता है, इस तरह की यूटिलिटी बिल हो सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे, जब भी आप यूटिलिटी बिल लगाएं वो 2 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। यानी कि आपके लिए पैन इंपॉर्टेंट है, एड्रेस के लिए पासपोर्ट, आधार, वोटर आईडी, ड्राइविंग और इलेक्ट्रिसिटी बिल या कोई भी यूटिलिटी बिल लगा सकते हैं, वो 2 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं जो स्पाइस, जो स्टेप 4 था, उसमें क्या क्या पेपर जाते हैं। मैं बहुत ज्यादा ये जाने की बताने की कोशिश क्या है, एक रफ बताने की कोशिश कर रहा हूं। INC 9 जाता है, INC 9 क्या होता है कि डायरेक्टर डिक्लेरेशन देता है कि वो किसी भी तरह के ऑफेंस में मतलब कन्विक्टेड नहीं है, किसी तरह की गिल्टी या फ्रॉड में इन्वॉल्व नहीं है, उसका डिक्लेरेशन होता है। INC 10 ये भी डायरेक्टर्स का ही होता है, ये सिग्नेचर वेरिफिकेशन के लिए होता है कि आपका सिग्नेचर क्या है, उसके लिए होता है। INC 8 ये CA अपॉइंटमेंट के लिए होता है, INC 8 अगर आप देखें तो इसमें अपॉइंटमेंट किया जाता है, जो CA होते हैं उनके लिए ये होता है। उसके अलावा कुछ एफिडेविट्स जाते हैं, उसके अलावा DII 2 जाते हैं। एफिडेविट्स के अपने अपने फॉर्म्स हैं, बहुत तरह के एफिडेविट्स हैं जो कि प्रोफेशनल बना के आपको देंगे, वो चीज़ें यहाँ पे रहती है। उसके अलावा DII 2 के बारे में हम बात करने वाले हैं। DII 2 क्या है कि इसमें जो डायरेक्टर होते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन होता है, जैसे उनका नाम, उनके फादर नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पैन नंबर, ऑक्यूपेशन, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, साथ के साथ एक डिक्लेरेशन होता है। उसके अलावा रेंट एग्रीमेंट क्या है कि अगर आप जिस भी एड्रेस पे जो आप ऑफिस ओपन करने वाले हो, चाहे कोई भी हो, या तो उसका रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए या ऑनरशिप प्रूफ होना चाहिए। अगर रेंट एग्रीमेंट है तब आपको NOC लगाना होता है, बिना NOC के ये काम नहीं हो सकता। तो हमने अपने एंड से बहुत कोशिश की कि आपको वो समझाने के लिए कि इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है, उसके प्रोसीजर्स क्या होते हैं, उसमें डॉक्यूमेंटेशन क्या होते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप हमारे ड्रॉप बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, पिंग कर सकते हैं, कॉमेंट कर सकते हैं, उस कॉमेंट का हम रिप्लाई भी करेंगे। इसके अलावा अगर कहीं भी आपको इस प्रोसीजर में कंफ्यूजन हो तो आप हमें पिंग कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन दबाना भी ना भूलें। मैं हिमांशु कुमार, अगला वीडियो देखना हमारा ना भूलें, हम फॉरेन नेशन के लिए लेके आने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।